Good morning, everybody. I am N. Kumar sir, welcoming RM Biology classes. आज के इस लेक्चर में लॉजिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। लॉजिक कॉन्सेप्ट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है और ये बोर्ड एंड कंपटीशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बोर्ड के लिए ये बेसिक तथा कंपटीशन के लिए बैकबोन यानी रीढ़ की तरह काम करता है। लॉजिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करें इससे पहले हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना अति आवश्यक है। फर्स्ट टर्म इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड अनदर इज सफिक्स। प्रीफिक्स प्री मीन्स पहले एंड फिक्स मीन्स जुड़ना एंड सफ मीन्स बाद में एंड फिक्स मीन्स जुड़ना। यानी कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो मेन वर्ड यानी रूट वर्ड के पहले आकर जोड़ते हैं और उसका मीनिंग ही बदल देते हैं, उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी रूट वर्ड मूल शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं और उसका कम्प्लीटली मीनिंग चेंज कर देते हैं, जिसे सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट वर्ड इज काउंट, काउंट मीन्स गिनना। इसमें अगर हम सफिक्स की बात करें तो एबल अब हो गया काउंटेबल यानी गिनने योग्य। और अगर हम इसमें प्रीफिक्स की बात करें यानी पहले जो टर्म आकर जुड़ेंगे अन, अन इज अ प्रीफिक्स, अब हो गया अनकाउंटेबल यानी अगिननीय। इसी तरह लॉजी भी एक सफिक्स है, लॉजी एक सफिक्स है जो किसी वर्ड के अंत में आकर जुड़ता है, जैसे बायो प्लस लॉजी इक्वल टू बायो मीन्स जीव एंड लॉजी मीन्स अध्ययन करना। एंड सेकेंड सेंस इज विज्ञान, नाउ जीव विज्ञान बायोलॉजी। लॉजी का दो मीनिंग हो सकता है, फर्स्ट इज साइंस एंड अनदर इज टू स्टडी। साइंस यानी कि विज्ञान एंड टू स्टडी अध्ययन करना। इसी पे बेस्ड है हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट। आज के लॉजिक कॉन्सेप्ट में हम विशेषकर ह्यूमन यानी मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग ह्यूमन हैं यानी मानव हैं, मनुष्य हैं। फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ, एक प्रीफिक्स है एक सफिक्स है। तो एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन एंड लॉजी एक आपका सफिक्स है, जो भी देखा लॉजी मीन्स विज्ञान या स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव के बारे में अध्ययन एंड सेकेंड इज मैमोलॉजी। हम लोग मानव तो हैं और मैमल्स क्लास से बिलोंग करते हैं। मेमो मीन्स मैमल्स, मैमल्स मीन्स स्तनधारी या इसी को बोलते हैं स्तनपायी। सो मैमोलॉजी मीन्स
स्तनधारी का अध्ययन थर्ड इज केलोलॉजी केलोलॉजी केलो मीन्स ब्यूटीनेस आणि सौंदर्य तो केलोलॉजी मीन्स मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन एंड फोर्थ इज मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी मॉर्फो मीन्स से आणि की आकार सो मॉर्फोलॉजी मीन्स बाह्य संरचना का अध्ययन बाह्य संरचना का अध्ययन एंड फाइफ्थ इज एनाटॉमी एनाटॉमी एना मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर सो एनाटॉमी मीन्स आंतरिक संरचना का अध्ययन केलोलॉजी का अध्ययन मॉर्फोलॉजी बाह्य संरचना का अध्ययन एंड एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन सिक्स्थ इज पैथोलॉजी पैथो मीन्स डिजीज डिजीज मीन्स बीमारी या रोग और लॉजी मीन्स टू स्टडी सो रोगों का अध्ययन रोगों का अध्ययन और ये पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन रोग किसकी किसकी वजह से होता है तो बैक्टीरिया से हो सकता है वायरस से हो सकता है फंगस से हो सकता है और एलगी से हो सकता है एंड वॉर्म से हो सकता है उसकी बेसिस पे पैथोलॉजी को कई भागों में बांटा जाता है जैसे बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी मीन्स बैक्टीरिया का अध्ययन वायरोलॉजी मीन्स वायरस का अध्ययन एंड माइकोलॉजी कवक यानि फंगस का अध्ययन एंड फाइकोलॉजी शैवाल एलगी का अध्ययन एंड हेलमिंथोलॉजी वर्म्स का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणु बैक्टीरिया का अध्ययन वायरोलॉजी मीन्स विषाणु वायरस का अध्ययन माइकोलॉजी मीन्स कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी मीन्स शैवाल का अध्ययन एलगी का अध्ययन एंड हेलमिंथोलॉजी मीन्स वर्म्स यानी कृमि का अध्ययन नाउ सेवेंथ इज गायनेकोलॉजी गायनेको मीन्स फीमेल एंड्रोलॉजी मतलब टू स्टडी लिखेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ या रोग विज्ञान स्त्री रोग विज्ञान एंड एंड्रेकोलॉजी एंड्रेकोलॉजी
एंड रेको मीन्स मेल आणि प्रोश सो प्रोश रोग विज्ञान नाउ नाइंथ इज फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के इंटरनल फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है जैसे हार्मोन अच्छे से काम कर रहे हैं एंजाइम्स सही अमाउंट में रिलीज हो रहा है और काम कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा नेक्स्ट टेन इज पेडोलॉजी पेडो मीन्स इन्फेंट इन्फेंट मीन्स शिशु सो शिशु विज्ञान और एक क्वेश्चन यहीं से अगर सिर्फ इससे ए को रिप्लेस कर दिया जाए तो बन जाता है पेडोलॉजी पेडोलॉजी मीन्स शिशु विज्ञान और इसी पीडो में से अगर सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया जाए तो बन जाता है पेडोलॉजी एंड पेडो मीन्स सॉइल यानी मिट्टी सो मृदा का अध्ययन ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बार बार पेडोलॉजी एंड नेक्स्ट इज जेरेंटोलॉजी जेरेंटो